देवरिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी गोरखपुर की तरफ से आ रही 5 लग्जरी वाहनों को रोककर तलाशी लेने पर 5 वाहनों से 127 पेटी हरियाणा मार का अवैध शराब बरामद की है। वहीं पकड़ी गई शराब की कीमत 17 लाख बताई जा रही है, जिसमें 5 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक्साइज डिपार्टमेंट को कहीं से सूचना मिली कि हरियाणा से लग्जरी गाड़ियों में अंग्रेजी शराब बिहार जा रही है। इस सूचना पर स्वाट टीम ने, कोतवाली पुलिस टीम ने एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ पुल के पास उनकी घेराबंदी की। इसमें गाड़ियां गोरखपुर की तरफ से आ रही थी, 3 गाड़ियों को इन लोगों ने वहीं पकड़ लिया। 2 गाड़ियां मुड़ करके पीछे की तरफ जाने लगी, एक रुद्रपुर की तरफ मुड़ गई और एक बैतालपुर की तरफ गई, जहां यशो गौरी बाजार लगे हुए थे, उन्होंने उसको रिकवर किया। और रुद्रपुर रोड पर जा करके हमारी जो एक्साइज की टीम थी, एक्साइज इंस्पेक्टर लगे हुए थे, उनकी पूरी टीम थी, उन लोगों ने पुलिस की मदद से इस प्रकार से कुल 5 गाड़ियां, सभी लग्जरी गाड़ियां हैं, बरामद हुई हैं। और इस पे जो लोग गाड़ियां चला रहे थे वो सब हरियाणा के रहने वाले हैं। सिवान के लिए इन्होंने बताया कि ये लेके जा रहे थे। जो रिकवरी टोटल हुई है उसमें 127 पेटी क्रेजी रोमियो अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसकी बाजारू कीमत करीब 17.5 लाख रुपये है। इसके अलावा 5 लग्जरी गाड़ियां, इन लग्जरी गाड़ियों में सुजुकी ब्रेजा, नेक्सान। पाली जिले के नगर परिषद चुनाव में आज नगर परिषद उपसभापति के चुनाव संपन्न हुआ। उपसभापति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ललित पीरतमानी उपसभापति चुने गए। वहीं ललित पीरतमानी को 39 मत मिले, वहीं कांग्रेस के मोहिनीद्दीन को 26 मत मिले। पाली नगर परिषद के दोनों प्रमुख सभापति और उपसभापति सीटों पर भाजपा का कब्जा बरकरार है। मकराना नगर परिषद के उपसभापति पर आज फिर एक बार कांग्रेस ने अपना कब्जा किया है। आपको बता दें कि मकराना नगर परिषद के पूर्व सभापति हुए कांग्रेस के पार्षद अब्दुल सलाम भाटी उपसभापति निर्वाचित हुए हैं। आज दोपहर 2:30 बजे मतदान प्रक्रिया उपसभापति पद को लेकर नगर परिषद कार्यालय में शुरू हुई है, जिसके तहत 55 पार्षदों में से 53 पार्षदों ने अपना मत अधिकार का प्रयोग किया है। अभी इसमें भी कांग्रेस पार्टी आगे है और उपसभापति भी कांग्रेस पार्टी का ही बनेगा और सब की राह मशवरा करके ही बन रहा है, कोई दबाव की बात नहीं है इसमें। और जैसे सभापति को सबने समझदारी से चूज किया है, उसी तरह उपसभापति से चूज कर रहे हैं। मैं भी चाहूँगा कि मेरे जो सहयोगी, मेरे साथ रहने वाले कुर्सी सिसोदिया, जो 4-5 रोज तक मेरे कंटिन्यू साथ रहे, ना तो उन्होंने सोया है ना कोई और है, उन्होंने ही ये इतना बीड़ा उठाया और वाइस चेयरमैन का ये बीड़ा उन्होंने उठाया है और अशफाक जी रानड़ ने, इन दोनों ने उठाया है। इन दोनों की वजह से मैं ये वाइस चेयरमैन का बना हूँ। और जाकिर साहब हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ये हमारे सरपरस्त हैं और मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ और मेरे जितने भी पार्षद हैं फिर से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये भ्रष्टाचार का जो ये वीडियो वायरल जो चला है ये बिल्कुल गलत है और मैं तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने अपने आप पे पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे नेतागिरी इसे थोड़ी कहते हैं, नेतागिरी थोड़ा सीखो क्या होता है नेतागिरी, लेकिन किसी पे इंजाम लगाने से या और करने से थोड़ा ही होता है ये काम। जनपद हापुड़ में चर्चा का विषय बना रहा और काफी दिनों तक मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा प्रदीप हत्याकांड थर्ड डिग्री देने के आरोपी में 2 आरोपी पुलिसकर्मियों को कोर्ट में पेश किया गया। खबरों में बात करते हैं गाजियाबाद के कवीनगर थाना क्षेत्र की, जहां पर गोविंदपुरम इलाके में रात तकरीबन 10:30 बजे बाइक सवार 4 बदमाशों ने बैंक कर्मचारी जिम संचालक को गोलियों से छलनी कर दिया। गनीमत रही कि गोलियां बैंक कर्मचारी के दोनों पैरों में लगी है। वहीं बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। सर, गोविंदपुरम के अंदर एक युवक पर गोलियां चलाई गई हैं, क्या पूरा प्रकरण है, क्या घटनाक्रम है? ये एकलव्य गौतम है, गोविंदपुरम एरिया के थाना कवीनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहीं पर उनका अपना एक जिम है जिसको चलाते हैं। आज रात्रि में ये जिम से अपने नीचे उतर रहे थे तो वहीं पर इनका कहना है कि पीछे से 4 लड़के थे जिनकी पहले से इनकी रंजिश चली आ रही है, उन्होंने इनके ऊपर पहले सर पे वार किया, उसके बाद इनको ऊपर गोली चलाई जो इनके दोनों पैर में जांघों पर लगी है। इनको यशोदा अस्पताल लाया गया है, यहीं पर इनका इलाज चल रहा है। 2 टीमें गठित कर दी गई हैं, क्योंकि 4 लोग जो हैं उनके नाम बताए हैं, हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे, कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई रंजिशन मामला सर निकल कर? हाँ, पहले रंजिश चल रही थी, इन्होंने खुद ही बताया है कि पहले भी रंजिश इनकी चल रही थी, इसीलिए उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तारी करेंगे।